हेलमेट एक ऐसा अल्फाज जो कि आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस भी कर सकता हो, ख़राब भी कर सकता हो। अगर आपके पास एक कंपैटिबल और प्रॉमिसिंग हेलमेट है तो आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस होता है वो होता है 10/10, एल्स आपका राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। अगर आपको हेलमेट लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये हेलमेट जो कि इनफील्ड की तरफ से, इसमें आपको मिलता है पॉलीकार्बोनेट शेल का, इसका शेल जो कि प्रोटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी को लेके काफ़ी प्रॉमिसिंग है। बात करेंगे इस हेलमेट के और फीचर्स के बारे में, तो ये है DOT एंड ISI सर्टिफिकेशन के साथ, यानी आपका हेलमेट चाहे कितना भी बढ़िया अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो आपका जो चलान है वो कट सकता है। तो चलान से तो आपको ये बचाएगा ही, साथ साथ आपके लुक एंड फील को काफ़ी इन्हेंस करेगा। इस हेलमेट में आपको मिलता है एडजस्टेबल विंडशील्ड, इसका जो कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, आप डिटैच करके इसको वॉश भी कर सकते हो, और शेप जो हेलमेट का वो काफ़ी बढ़िया है। अगर आपके पास कैफे रेसर है, क्रूज़र बाइक है, तो ये हेलमेट आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लगेगा। नो मैटर आपकी बाइक का क्या कलर है, क्योंकि ये ब्लैक कलर है आपकी बाइक के साथ काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट बनाता है। बात करें इस बाइक के प्राइस को लेके, तो ये है 3700 रुपीज़ का, और इसका जो स्ट्रैप है वो है EU रैशेक टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आपने ग्लव्स पहन भी रखा है तो आप इजीली इस हेलमेट को उतार पाएंगे। तो EU रैशेक टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करता है, साथ ही साथ आपको मिलता है QRS यानी क्विक रिलीज सिस्टम। आपको अगर इसका वाइज़र चेंज करना है, टिंट या कलर्ड वाइज़र लगाना है, तो भी करना काफ़ी आसान है, क्योंकि ये आता है QRS सिस्टम के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हेलमेट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट शॉर्ट्स में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।